इस तरह से देखते हैं चारों फील्ड कर दिए हैं कैंडिडेट्स, जहां तक हिमाचल की बात आ रही है बीजेपी ने। तो उनका काम है, बीजेपी जिसको फील्ड करना चाहे फील्ड करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हाईकमान ने मनवाई थी, उसकी पहली मीटिंग आज है, जिसमें हम सब अपने वरिष्ठ नेताओं की राय ले रहे हैं और राय लेने के बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, क्या कुछ उसमें रहने वाला है? सारी जो भी राजनीतिक परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव, सबको लेकर रणनीति बनाएंगे। सर, प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वो नहीं लड़ना चाहती है। आपसे कहा है? आपसे कहा है उन्होंने? ठीक है, हम बात करेंगे। सर, एक अहम सवाल है सर कि कांग्रेस के कई नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, आपके बाईपोल्स भी उस नतीजे पे आ रहे हैं। बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं? बीजेपी वाले नहीं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। ये चुनाव वक्त होता है, बीजेपी वाले छोड़ के कांग्रेस में आते, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते, दूसरी पार्टी में इधर जाते उधर जाते, जिनको ये उलट पलट चलता रहता है हर चुनाव में। अब देखिए सर, बिट्टू साहब हैं या फिर हम बात करें आज सुशील कुमार रिंकू हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी एक्स कांग्रेस से, किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट? देखिए, भाजपा में तो कोई नेता थे ही नहीं दम वाले, तो कांग्रेस से लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तो कोई नेता किसी दम के है नहीं, तो कांग्रेस वाले हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस इतना विशाल समुद्र है, यहाँ खूब नेता है और हमारे जो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।